फाइनली दोस्तों टाइम आ चुका है, हम लोग राइड कर रहे हैं फॉर IBW। दिस इज माई थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब इस साल मैंने दो चीजों की हैट्रिक की है, एक तो लद्दाख हैट्रिक, 3 साल लगातार लद्दाख, अभी 3 साल लगातार IBW। काफी मजा आने वाला है। अभी बजे है 5:30, आज ज्यादा लेट नहीं, आज थोड़ा सा टाइम पे हूं मैं, अभी बस आर्गो और मेरे कुछ दोस्त लोग हैं उनसे मिलेंगे और वहां से राइड शुरू करेंगे। मेहता साहब भी आ रहे हैं, लेकिन मेहता साहब शाम को निकलेंगे, उनका ऑफिस है। और हमने रिसेंटली ये बैग ऑर्डर की क्योंकि ठगुरान जी और अरिका आ रही है फ्लाइट से, तो वो लोग ये हार्ड वैसे भी हमको चाहिए थी, तो ये लेके आ जाएंगे सॉर्टेड। और मेन लगेज मैंने बाइक पे बांध दिया है, बस खाली एक टैंक बैग बची है, दैट्स इट। और आज भी राइडर का ये नया जैकेट पहन के जाएंगे जो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, बस इसका टीजर आया है, IBW में इसका लॉन्च है। सो हम लोग पहले जो इसको पहन के जाएंगे, चलो निकलते हैं। ऑलराइट, तूफान इज ऑल रेडी। ये देखो सेम अपना लद्दाख जैसा सेटअप। अब ये जो बैग है इसमें बहुत सारी गुडीज जो आज मैं देने वाला लोगों को, इसीलिए ये बैग है, वैसे भी ऐसी बैग मैं कैरी करता हूँ, तो वो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। टैंक बैग रेडी है, बाइक भी बढ़िया, ट्रिप बी मैं जीरो कर देता हूँ, 6:15 राइट नाउ। गणपति बप्पा मोरिया, गजानन महाराज की जय, जय श्री राम। मुझे अभी ध्यान रखना है कि 80 के ऊपर मुझे इस पर बात नहीं करनी है क्योंकि विंडोज आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ा टाइम हो गया ना लद्दाख राइड को, 1.5 महीना हो गया, तो थोड़ी सी आदत मिस हो चुकी है, लेकिन फील्स गुड टू बी बैक ऑन आवर प्राइवेट जेट। वाह, एक चीज़ का बड़ा बुरा लग रहा है कि यार परेश, योगी और अक्षय, ये तीनों राइड करने वाले थे, हम साथ में जाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार परेश के थोड़ा नेक में प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि यू कांट राइड फॉर 1 मंथ एटलीस्ट। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस ट्रिप में फाइनली मेरी फैमिली भी वहाँ मेरे साथ होगी, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से मैं जाइए जहाँ पे भी राइड कर रहा हूँ, फैमिली तो साथ में है ही नहीं। फॉर्चुनेटली अभी तो कोई ट्रैफिक मिली नहीं है, ये तो टोल प्लाजा है, दैट्स ओके। यहाँ पे जब भी आता हूँ ना डर ही लगता है कि पुलिस रोक लेंगे चेकिंग के लिए ये सब। ये देखो, अरे इतने सुबह सुबह यार बाइक वालों को पकड़ते हो यार, बस खाली बाइक वालों को ही पकड़ते हो। तो दोस्तों हो चुकी है दुविधा, आर्गो का टायर हो चुका है पंचर, वो घर से निकला और वहीं पे पंचर हो गया और 2 कट है उसमें। ये देखो भाई, एक कट आ गया उसके टायर में, तो अभी वो पंचर का कुछ जुगाड़ कर रहा है। ओ माय गॉड, और ट्यूब टायर का भाई यही लफड़ा है। अपने हिमालयन आ गए ना, अपने को जल्दी आउटेक्स कराना पड़ेगा, तो अभी मुझे निकलना पड़ेगा, आर्गो विल कैच अप। ये लोग जो बाकी के हमारे राइडर्स है वो लोग पनवेल के वहाँ कहीं तो है, तो चलो अभी देख लेंगे। राइट नाउ नियर पारसिक हिल बेलापुर, यहाँ मेरी एक मासी रहती है जो खतरनाक लेवल का खाना बनाती है, मतलब भाई उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं रिटर्न जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मासी के घर रुक के खाना खा के जाऊँ। मावशी इफ यू आर वॉचिंग, वो देखिए तिरंगा लहराता हुआ, भारत माता की जय। कितनी बेहतरीन सुबह है, देखो वाओ, सच अ लवली मॉर्निंग। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बस 2 घंटा सोया हूँ, 2 घंटा। लेकिन होता ये है कि जिस दिन राइड होती है उस दिन नींद आती तो है नहीं, और अगर कम भी सो लिया ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार बाइक के बैठ गए ना तो बस चलते रहो। और ऊपर से तो यार इतना बढ़िया मौसम है, अभी दिसंबर है। क्या ही सेक्शन था, मजा आ गया। थोड़ी जो बच्चे को जो नींद थी वो भी उड़ गई। अपना हिमालय आने के बाद तो अपने पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब सोचो ना, एक 1000cc सुपर स्पोर्ट्स और एक हार्ड कोर एडवेंचर बाइक, क्या बात है। मतलब एडवेंचर बाइक मुझे लगता है कि लाइट हो तो बेटर है, टूरिंग के लिए या कहीं आपको जो कुछ करना है वो आप उस पर कर सकते हो, और साथ ही साथ ऐसी मजेदार बाइक, मतलब अगर हाईवे राइड है तो इसको यूज कर सकते हो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। प्रेसअप मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों में से किसी को अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, जो आपको पसंद है, जैसे आपको राइडिंग पसंद है वो करना है, तो आपको मेहनत करने का मोटिवेशन मिल सके। किसने बोला मटेरियलिस्टिक थिंग्स कांट बाय हैप्पीनेस, किसने बोला भाई मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पार्शियल ट्रूथ है। यो पीपल आर हियर, हेलो हाउ आर यू? मी इज गुड, हाउ आर यू? मस्त, बढ़िया। कब से खड़े हो, 1 घंटा हो गया होगा? उसका बाइक पंचर हो गया यार, कोई काम करता नहीं।
तुझे को रुकना अभी के? हाँ, 5 मिनट ब्रेक लेता हूँ, फिर निकलते आगे जाके देख लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ बाइकर्स है, तो अभी थोड़े बाइकर्स दिखने लग गया। सुबह से मैं टेंशन में था, बाइकर ही नहीं दिख रहे यार। वैसे जुबैर इज हियर एंड ही इज आवर न्यू फ्रेंड। आपका नाम बता दो। आफ्ताब। एंड निशांत इज देयर। अब आ रहा है फील के हम IBW जा रहे हैं। काफी सारे बाइकर्स शुरू हो चुके हैं। जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स राइडर्स राइड करते हैं, तो हमको बहुत ही ज़्यादा सतर्क सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फास्ट बाइक्स आती है तो हमको पता भी नहीं चलेगा और सबसे ऐसे चले जाएगा कोई। सेफ रहो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, चाहे आपके पास छोटी बाइक हो या बड़ी बाइक हो, अपने साइड से एकदम सतर्क रहने का। देखो यार, वेदर अच्छा रहा ना तो आधी थकावट वही निकल जाती है। फिलहाल एकदम बढ़िया वेदर है और अभी हम लोनावला घाट में हैं। यहाँ पे तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। मुंबई में हो रहा था। पहुँच गए भाई लोनावला। अब यहाँ पे देखते हैं, एक तो ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं, अभी तक कुछ डिसाइड किया नहीं है। तो पहले सब्सक्राइबर अपने को मिल गए, प्रेम। सो प्रेम इज द फर्स्ट वन टू गेट सम गुडीज। थैंक यू सो मच। और भी है भाई, वन किचन और एक बैच। और अपना टाइगर जो है, टाइगर मोटो, ही इज कमिंग। तो मैं यहाँ पे 10-15 मिनट रुकता हूँ। द पीपल विद अस, दे हैव गॉन अहेड, तो आगे जाके मिल लेंगे। मैं टाइगर के रुक रहा हूँ। All right, one more subscriber. Here are some goodies. Thank you. Cap too. Yeah. Thank cap you. है, kitchen है. Thanks a lot. और badge. So I met this wonderful couple जो rider भी है भाई, ये होते हैं असली rider। बताता हूँ क्यों। इन्होंने लद्दाख किया है 3 बार, वो भी कब किया है सर? आपकी एज अभी कितनी है? 62। और लद्दाख किस एज में किया है? 324। मतलब भाई 40 साल पहले लद्दाख किया है। इन्होंने असली लद्दाख देखा हुआ है, मतलब हम लोग जो जाते हैं ना, मस्त रास्ते बने हुए हैं, असली लद्दाख इन्होंने किया है। नाइस मीटिंग यू सर, नाइस मीटिंग। आपका नाम बता दो। नितिन तगारे। नितिन, थैंक यू। सर मोटो इज हियर, क्या बात है, पहली बार राइड कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया। नहीं यार, हम लोग भाई भाई है यार। राइडिंग विद यू। चलो नाइस। तो टाइगर विद टाइगर, ऑफ कोर्स तूफान और ये लैला। अरे हमारे सब्सक्राइबर और एक, हेलो प्रतीक। प्रतीक, तो ये अपने सब्सक्राइबर है, ये मुझे जानते लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ये गलत बात है यार। चलो अभी सब्सक्राइब करो, कैप मिलेगा। ओके, सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों, बेल आइकॉन ऑल पे क्लिक कर देना, अब मिलेगी कैब। ऑलराइट, हियर यू गो। चलो बढ़िया। और अपना ब्रेकफास्ट भी आ गया, अब पटक से यहीं पे खा लेंगे, आगे ज्यादा रुकने का काम नहीं। टूर के चाय पी जाएगी, राइड की सबसे पहली चाय, वो भी पहली बार टाइगर भाई के साथ। चीयर्स। आवाज आनी चाहिए टाइगर भाई। चीयर्स। नहीं उसकी नहीं, इसकी उसकी। अभी मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि 9:30 अगर मैं यहाँ हूँ तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। अभी डायरेक्ट पुणे के बाद कहीं रुकेंगे। और ये देखो क्या वेदर हो गया यार, इतना मस्त। इट्स राइट नाउ, टेम्परेचर बताता हूँ आपको, 19 डिग्रीज दिखा रहा है। वेरी प्लेजेंट, वेरी गुड। वो देखो वहाँ पे पहाड़ पे फॉग है, सही है। बस थोड़े बादल आ गए, आई होप इट डजंट रेन प्लीज। आज मत बरसना, आज मतलब क्या, पूरा हफ्ता भर बरसो ही मत। वाह, दिल चाहता है वाला नज़ारा, क्या ही बात है, इतना अच्छा वेदर। ट्रेन जा रही है भाई साइड से। अरे बाप रे, क्या ट्रैफिक लग गए भाई पुणे में। यही है वो लड़का, यही है जिसके वजह से कुछ नहीं हुआ, हम लोग रुक गए। तो 2 घंटा हर एक जन का खाया है तूने। देख अभी ये मैकडोनल्ड से हर एक को 2-2 मैकडोनल्ड का वड़ा पाव। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट मैकडोनल्ड वड़ा पाव, आई वांट प्रॉपर। अच्छा प्रॉपर वड़ा पाव। खास क्यों खिला रहे हैं? हाँ यार, कम सस्ते में मान रहे हैं हम लोग। मोमेंट वी टच द बॉम्बे द ओल्ड हाईवे, ही इज बाइंग अस लंच ओवर देयर। वी आर कटिंग फ्रॉम कराड एंड तो हर एक आदमी को 2-2 पापलेट। यस, नाउ यू आर टॉकिंग माय लैंग्वेज। 2-2 पापलेट। किधर है मेरा मछली, किधर है? एक भगवान चाहता है अपन जल्दी मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है, कैसे? बस बढ़िया बढ़िया। शांति भाई इज हियर, कैसे? बढ़िया। कल ही अपन ने बात किया था ना, कल ही बात कि मिलेंगे और आज भाई नहीं मिले। भाई बाहर खड़ा था, मैंने देख लिया बोला, बोलो फोन करके बोलो। कॉल जैसा है, मुझे लगा ही कि हाँ अच्छा, डाउट है तो तेरे को मालूम पड़ा, इसका रैपिंग किया था भाई। Okay, हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। 12 बज गए, हम अभी तक सातारा भी नहीं पहुंचे। दिस इज माई स्लोएस्ट राइड टू गोवा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लीजर आराम से ना, लीजर चलो एकदम। हर एक घंटे भी नहीं, आधे आधे घंटे में रुक रहे हम लोग। लेकिन अभी नहीं भाई, बहुत हो गया, अभी हम लोग सीधा कराड़ के बाद। चलो
ओके दोस्तों, अभी वक्त आ चुका है हम लो पावर से हाई पावर चले जाए फुल पावर। अब आएगा मजा। फाइनली अपना लॉन्ग राइड हो रहा है। हाँ फाइनली हो रहा है, जैसे कैसे करीब 6 महीने से प्लान कर रहे हो। हाँ हमने जैसलमेर प्लान हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर मैं लद्दाख चला गया। जाएंगे और अभी नई गाड़ी आएगी तो और करेंगे। ये देखो वेदर क्या हो गया, ऊपर देखो पहाड़ पे फॉग है। आई होप ये फॉग ही है, बारिश नहीं है। नहीं बारिश तो नहीं लग रही है, शायद फॉग ही होगा। और हम लोग अभी चढ़ेंगे खंबात की घाट, बहुत ही प्यारा घाट है लेकिन थोड़ा डेंजरस भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक इट ईजी। मैं तो ज़्यादा कॉर्नरिंग करता नहीं हूँ भाई। कहते ही कहते पहुँच चुके हैं सातारा, बढ़िया। और बस यहाँ से अभी थोड़ी देर कराड़, और कराड़ से हम लोग मारेंगे राइट। तो ये जो रूट मैं ये वीडियो में पकड़ रहा हूँ, अगर आप गोवा जाना चाहते हो फ्रॉम मुंबई पुणे या गुजरात, जहाँ से भी आप आ रहे हो फ्रॉम द अपर साइड, आप ये रूट ले सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट रूट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। तो जितने भी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई एक्सपल्स पे डबल सीट टूरिंग कर सकते हैं क्या, तो ये देखो ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं। देखो करना है तो इंसान कोई भी बाइक पे कर लेगा, बस वो जिगरा होना चाहिए। हाँ कितना कंफर्टेबल है दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली अभी इस पर थोड़ा सा क्रंच होगा क्योंकि सीट छोटी है प्लस लगेज भी है। तो देखो इन्होंने लगेज पीछे बांधा है, लेट्स गुड। अब जो भी लोग स्क्रैम्बलर, ट्राम स्क्रैम्बलर 400X लेने की सोच रहे हैं, उस पर टूरिंग करने की सोच रहे हैं, तो ये देखो ये आगे है ये बाइक, इस पर इस प्रकार टेल बैग लगाई गई है। वैसे ये वाला हैवी भी बड़ा हो रहा है, मतलब जब से कंक्रीट स्टार्ट हुआ है ये एक्स्ट्रा लेनिंग का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। अच्छी बात है, मतलब 6 लेन का हो जाएगा, सही है। बस अभी 40 किलोमीटर टू कराड़, और कराड़ के बाद हमारा टर्न, फिर वहाँ से थोड़ा सुकून भरी राइड, मतलब ट्रक वर्क सब चले जाएंगे। वन मोर ब्रेक जस्ट बिफोर कराड़। तो यहाँ पे अभी हम लोग पता नहीं क्यों रुके, लेकिन रुके एक मिनट, फिर आई हैव समथिंग फॉर यू। ये लीजिए। हाँ स्टिकर भी है, 6-7 कैप्स तो अपनी चली भी गई। ये पूरा बैग कैप्स भर के। वर्स्ट पार्ट अबाउट राइडिंग इज कि खाना ज्यादा खाया नहीं जाता, नींद आती है, और उस चक्कर में चाय बहुत ज्यादा हो जाती है, और चाय जब ज्यादा हो जाती है तब ये इतना वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। उम्र हो रही ना वही कोई दिक्कत नहीं है, वो बोले थे खाना का चाय पिला रहे, वो खाना अभी तक खिलाए नहीं है। सूर की आवाज आना चाहिए। ओहो मार ही डालोगे। गोवा वी आर कमिंग। ये तो भाई मटन खाने की बातें हो रही है आर्गो, ये क्या देख रहा हूँ मैं, मटन खाने की बातें हो रही है। कोल्हापुर में देखो पांडे रसा, ताम्रा रसा, मटन और चावल की भाकरी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंजन ऑयल में भी थोड़ा पांडा रसा डाल देते हैं, गाड़ी को भी पिला देते हैं थोड़ा सा, टेक ऑफ कर है ना, बढ़िया एकदम। और चेन लूप की जगह ना वो तर्री डाल लेंगे, है ना, बस कर पगले रुलाए जाते। साई रेस्टोर कैफे, ये वाला टर्न है, आगे एक पेट्रोल पंप है राइट साइड में, देखो यही वाला टर्न है ना, लॉक कर दे। चलो तो गाइस आप आ रहे हो तो देखो ये वाला टर्न है साई रेस्टोरेंट, वहाँ से राइट, और ये देखो मलकापुर कोकरूड, ये याद रखना, आगे जाके एक पेट्रोल पंप है लेफ्ट साइड में। जब भी गोवा ट्रिप करो बाइक से आ रहे हो तो ये वाला बेटर रूट है देन अम्बोली। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, तो अब अगर यहाँ पे आते हो ना गूगल मैप्स के भरोसे मत रहो कम्प्लीटली, क्योंकि वो अंदर से शॉर्टकट कुछ भी दिखाता है। तो लोगों से पूछो अनुष्कुरा घाट या तो राजापुर, ऐसा पूछो, लोग बराबर आपको गाइड कर देंगे। एक बार ठाकुरन जी को फ़ोन कर देता हूँ, काफ़ी टाइम से उसका कॉल आ रहा है लेकिन हम लोग कॉल पे, मतलब इंटरकॉम कनेक्ट नहीं हुआ तो हम कॉल पे ही। ओ तेरे ये खुला था भाई साहब, अरे बाप रे, ऐसा सब गलती मत करो अंडरसेन। ओके दोस्तों जंगल शुरू हो चुका है, बस अनुष्कुरा घाट आगे है, इसके पहले का ये जंगल है, मस्त लोकेशन है, विंड मिल्स है। ये देखे दोस्तों विंड मिल्स, क्या बात है, सोचो ये मॉनसून में कितना मस्त लगता होगा। अभी तो चलो घास सूख गई है काफी। अगर आपको कॉर्नरिंग पसंद है तो ये रास्ता आपके लिए बना हुआ है। अगर ऑफ रोड पसंद है तो अम्बोली से जाओ, अगर कॉर्नरिंग पसंद है तो यहाँ से आओ। क्यों टाइगर जी, सही है कि नहीं, क्या मस्त लग रहा है ना, बड़ा एकदम आहा, सही है। आर्गो तो कहाँ उड़ के चला गया भाई, उड़े ना पहला राइट। ओके ओके चलो थैंक यू। बड़ा पॉइंट ये का है, ये का है, अच्छा भजी नॉर्मल भजी, नॉर्मल मिर्ची भजी, अच्छा चलो वड़ा पाव सही, गर्म है ना, अरे वाह वड़ा पाव बेस्ट, भूख भी मिट जाएगी और थोड़ा सा गिल्ट रहेगा लेकिन ठीक है।
काफी अलग है, मुंबई में अलग होता है। इट्स गुड, ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे हमने छाछ लिया है भाई, लोकल डेयरी। क्या छाछ है यार, पहलवान ताक, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहलवान ताक स्पॉन्सर्ड नहीं है। खाली 400 किलोमीटर हुआ है और शाम के 4 बज गए, सुबह 6 बजे से निकला हूँ। दिस इज वन ऑफ द स्लोएस्ट गोवा राइड। लास्ट ईयर का स्लो था लेकिन ये बार का और स्लो। तो अभी बता रहा है 4-5 घंटे यहाँ से, मतलब 8 तो कहीं नहीं गए, मुझे लगता है 9 बज जाएंगे 100%। ये रास्ते पे ना मुझे एकदम बीआरओ की याद आ रही है। बीआरओ के रोड पे ऐसे होते हैं मस्त कॉर्नर, चिकने मक्खन, गड्ढे नहीं कुछ नहीं, प्रॉपर लेवलिंग। ये देखो आ हा हा, ये जो रूट है ना कराड़ के बाद से राजापुर तक, ये इतना ज़्यादा अलग अलग टेरेन वाला है, मतलब कभी आपको फ्लैट एरिया मिलेगा प्लेटू जैसा, कभी आपको गहरी खाइयाँ मिलेगी, कभी ऐसे जंगल मिलेंगे, 2-3 घाट मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त लोकेशंस मिलेंगे। जैसे ये आगे, दिस इज द फेमस स्पॉट, यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू है। तो ये देखो, ये अच्छे से आपको दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत लोकेशन है। लेकिन हम जब यहाँ पहुँचते हैं तब सन थोड़ा डाउन होता है ना, तो ये थोड़ा अपोजिट लाइटिंग होगा, तो आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ब्लरी ब्लरी है, लेकिन इन रियल इट इज़ वेरी गुड। और ये देखो नीचे रोड, तो रोड अभी अच्छा बना दिया, लास्ट टाइम ये कच्चा रास्ता था, मतलब काफ़ी टूटा हुआ था, नाउ इट इज़ ऑल गुड। क्या बात है, बढ़िया बना दिया रास्ता है। तो आई होप कि आगे भी बन गया हो, क्योंकि आगे यहाँ से आगे गांव है वहाँ तक रास्ता ख़राब था, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था हमको। और ये देखिए हमारे मैजेस्टिक सह्याद्री। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे कि ये जो नया जैकेट है राइडा का जो अभी लॉन्च होगा IBW में, इसके बारे में कुछ बताओ। ये 600D फैब्रिक से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, टफ है, और इनफैक्ट दिखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग जैकेट्स आई हैव सीन। वेरी कम्फर्टेबल, वेरी एयरी, बिकॉज ये पूरा जो है ना, ये नीचे ये पूरा मैश है, तो इसकी वजह से गर्मी नहीं हो रही है, हवा अच्छी आ रही है, प्लस चेस्ट प्रोटेक्टर्स, बैक प्रोटेक्टर, एल्बो, शोल्डर, लेवल 2 चेस्ट प्रोटेक्टर, हालांकि लेवल 1 मिलता है लेकिन आप अपग्रेड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा जैकेट है। वैसे आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो राइडा की वेबसाइट पर हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं WSFIVE, जिससे आपको 5% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एनी राइडा गेयर्स प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो ऐसे ही कुछ रास्ता था लास्ट ईयर, तो घाट में तो बना दिया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा वैसे ही है, आई होप आगे थोड़ा बन जाए। इंतहा हो गई इंतज़ार की और इंतज़ार हुआ ख़त्म, आ गए मुंबई गोवा हाईवे, बढ़िया। अब यहाँ से सीधा कॉन्क्रीट का हाईवे, मज़ा आ जाएगा, बस एक चाय ब्रेक मांगता है अपने को। तो स्नेहल अपने सब्सक्राइबर फ्रॉम राजापुर कब से रुके पता नहीं, थैंक यू सो मच यार, ये लो। चलो बढ़िया है, कितनी बार चला थामलेस? तास भर। ये तो अभी कोंकण चालू हो गया ना, राजापुर से भी कोई देखता है पता नहीं था, तो आप लोग अगर कोंकण से हो तो जरूर कमेंट करना। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि रिटर्न जाते टाइम थोड़ा कोंकण एक्सप्लोर करते करते जाऊँ, तो ऐसा सोच रहा हूँ, अभी नॉट श्योर, देखते हैं। अभी तो यहाँ पे पहले एक लास्ट ब्रेक लेते हैं, पानी वानी चाय वाय, और उसके बाद निकल लेंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, 6 बज गए भाई। तो ये देखो भाई, पहली बार मैंने हार्ली डेविडसन 440X देखी। वैसे इनको एक काफ़ी बड़ी दिक्कत आई है, ये गाड़ी बंद पड़ गई थी और वो गाड़ी भाई चालू रखी, क्योंकि बंद हो गई चालू नहीं हो रही है। सोचो भाई ऐसा अगर हो गया तो, सोचो ब्रांड न्यू फर्स्ट लॉट, ये सब सुन के मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चलो देख लेंगे, पहले चाय वाय पीते हैं निकलते हैं। चलो जी सुर्ग पियेंगे, बहुत ज़रूरत है इसकी। ऐसे वेदर देखो क्या मस्त हो गया है, वेरी नाइस। बाय द वे कौन सा जिला है? रत्नागिरी। अच्छा सिंधुर चालू नहीं डाला ना तुम? अच्छा देखो पिछले साल मैंने दिखाए थे ना आपको, ये देखो आम के बाग, सेम जगह पे रुके हैं, सेम। चलो चाय पीते निकलते। चलो यार चांगला वाटल स्नेहल भेटून, पुढच्या वेळेस नक्की भेटू आपण। चलो थोडा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ क्योंकि अभी लास्ट लेग है, 150 किलोमीटर और। ऑलराइट गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अब बस गोवा बॉर्डर, सावंतवाड़ी का जो मोली घाट का रोड आता है वही पॉइंट पे। अब यहाँ से गोवा बहुत नज़दीक है, देखो RTO चेक पोस्ट गोवा का। राइट नाउ इट इज 7:53, तो शायद होटल पहुँचते भी 1.25 घंटा और लग सकता है। आ गई बॉर्डर, वेलकम टू गोवा। और यहाँ पे मैंने मैप लगा दिया है, 38 मिनट्स बोल रहे हैं, आई थिंक 9:30 तक तो पहुँचे जाएंगे। चलो ऑलमोस्ट अभी इनसाइड गोवा, बस 20-22 किलोमीटर बचे हैं, और टाइम आपको दिखाऊँ तो ये देखो 8:30, तो शायद 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। मोरलेस हमारे होटल्स एक ही जगह पे, रायगढ़ और, तो हम लोग वही जा रहे हैं। चले
वेलकम टू गोवा संगम। ऑल राइट, फाइनली पहुंच चुके हैं गोवा। आज का कितना घंटा हो गया, सुबह 6 बजे मैं निकला हूँ, 6:15 बजे, और पहुंचा हूँ 9:15 बजे। मतलब 15 घंटे की राइड हो गई 600 किलोमीटर की। ये तो मेरा लास्ट टाइम का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया। लास्ट टाइम मैं 14 घंटे में पहुंचा था, इस बार मैं 15 घंटे में पहुंचा। चलो कोई नहीं, मज़ा तो बड़ा आया, मस्त अपने दोस्तों के साथ राइड किया, नए दोस्त बनाए। अभी बस थकावट आप देख रहे हो, तो अभी मैं आज एडिटिंग नहीं करूंगा, मैं भी सुबह करूंगा। तो वीडियो आपने देख लिया ऑलरेडी, अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा करने को बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, और कल से होगा IBW शुरू। अब इस बार IBW में अपन थोड़ा डिटेल में अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे। मतलब लास्ट टाइम में मैं आपको ऊपर से दिखाया था, इस बार अपन प्रॉपर अंदर जाकर देखा। कुछ कुछ चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो हो जाए, जैसे डर्ट ट्रैक में बाइक चलाना, ये सब चीज़ें। थोड़ा कोर एक्सपीरियंस आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे लाइव अपडेट शुरू है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थक गया हूँ।